नमस्कार, सरोज द एप्रन गर्ल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि व्रत के लिए तीन तरह की स्पेशल रेसिपीज, जिन्हें आप शिवरात्रि व्रत में बनाकर खा सकते हैं। काफ़ी इजी है इन्हें बनाना, तो चलिए फटाफट से इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले नारियल लड्डू बनाने के लिए हमें गैस ऑन करके कोई कढ़ाई या पैन ले लेना है और उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। घी मेल्ट होने के बाद इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और 1 मिनट के लिए हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। ड्राई फ्रूट्स को 1 मिनट फ्राई करने के बाद एक हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और अब इस बचे हुए घी में हम डालेंगे ये 1 कप नारियल का पाउडर है। अब इसको डाल के हमें लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए नारियल के पाउडर को भूनना है घी में। नारियल का पाउडर मार्केट में आराम से मिल जाता है, अगर नहीं भी मिलता है तो सूखा नारियल होता है उसको ग्रेट करके या मिक्सी में उसको पीस करके उसका पाउडर बना सकते हैं। तो फ्लेम को लो रखना है, हाई फ्लेम कर देंगे तो ये जल जाएगा और लो फ्लेम पे ही हमें इसे सिर्फ 2 मिनट भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये देखिए नारियल के पाउडर को 2 मिनट भून लिया है, ये भून गया है, हल्का इसका कलर चेंज हो गया है, इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। और अब इसमें डालेंगे ये 1 कप दूध है, तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। एक कप ही मैंने नारियल का पाउडर लिया था और 1 कप ही इसमें दूध ऐड कर देंगे। ये फुल क्रीम दूध है और अब साथ ही इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप चीनी लिया है, आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और अब इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए हमें चलाते हुए पकाना है। इसको हमने 7 मिनट पका लिया है। अब इस मिश्रण को हमें पकाते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं। इसमें हम डाल देंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, उनको भी मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो इसको हम बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब लड्डू के लिए हमारा मिक्सचर ठंडा हो गया है, इसको नारियल का पाउडर है उसमें कोट कर लेते हैं। नारियल के पाउडर में ऊपर से कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से बना करके हम तैयार करेंगे। अब लीजिए महाशिवरात्रि व्रत के लिए नारियल के लड्डू हमारे तैयार हैं। एप्पल मखाना खीर बनाने के लिए मैंने गैस ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून देसी घी। आप इसमें डाल देंगे 1 ग्रेट किया हुआ एप्पल और अब 1 मिनट के लिए हमें घी के साथ एप्पल को पका लेना है लो फ्लेम पे। 1 मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी और ये 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। दो से तीन मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए हम बर्तन में निकाल देंगे। फिर से वही सेम कढ़ाई ली है और उसमें मैं डाल दूँ 1 चम्मच घी और अब इसमें हमने ये 1 कप मखाने लिए हैं। अब इसको हम इसमें मखानों को भून लेंगे घी के साथ। अब लो फ्लेम पे हमें 5 मिनट के लिए मखानों को भूनना है। मखाने को 5 मिनट रोस्ट करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस लेंगे। मखाने का पाउडर बना लेना है हमें, तो पहले हम इनको ठंडा होने देंगे बिल्कुल, उसके बाद हम इसका एक पाउडर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया था और अब दूध में अच्छा सा बॉयल आ गया है, इसमें हम डाल देंगे पिसे हुए मखाने का पाउडर। इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हमें इसे, जब तक दूध अच्छा गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हमें दूध को पकाना है। गाढ़ा हो गया है, इसके बाद इसमें डाल देंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे हम। अब खीर हल्की ठंडी हो गई है, उसके अंदर हम सेब और चीनी का जो हमने ये मिक्सचर बना के रखा था इसको मिला देंगे। अब हमारी एप्पल मखाना खीर बनकर के तैयार है। आलू का हलवा बनाने के लिए हम कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी के मेल्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे ग्रेट किए हुए उबले हुए आलू। ये 4 छोटे साइज़ के आलू थे 4, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू को हमें घी के साथ भूनना है, लो फ्लेम पर हम इसको
चार से पाँच मिनट के लिए भूनेंगे, चलाते रहेंगे इसी तरह से। आलू को पाँच से सात मिनट पकाने के बाद इसमें डालेंगे दूध। यहाँ पे मैंने लिया है एक कप फुल क्रीम दूध और मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें आधा कप चीनी और ये आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। हम इसको मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, तब तक हमें इसको पकाना है। इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये तीन से चार मिनट पकाने के बाद दूध गाढ़ा हो गया है और हलवे का जो टेक्सचर है वो एकदम अच्छा आ गया है। तो इसी तरह से गाढ़ा होने तक हमें इसको पकाना है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हमें सिर्फ इसे एक से दो मिनट और पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। काफ़ी अच्छे से ये सिक गया है, बढ़िया कलर आ गया। तो इसी तरह से आपको आलू को अच्छे से सेक लेना है, नहीं तो उसका कच्चापन रह जाएगा इसमें। तो देखिए लगभग दो मिनट और पकाने के बाद अब हलवा हमारा बन करके तैयार है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसको हल्का ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब महाशिवरात्रि के व्रत के लिए आलू का हलवा हमारा बन करके तैयार है। तो अब यहाँ पे महाशिवरात्रि व्रत के लिए तीन रेसिपी बन करके तैयार है। व्रत के लिए ये काफ़ी अच्छी रेसिपी है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल का आइकन प्रेस कीजिए ऐसी ही न्यू रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।